उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 1 किलो 200 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के क्रम में स्पेशल टास्क फोर्स की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ टीम के द्वारा देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एक स्मैक तस्कर को 1 किलो 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है। वहीं पिछले 2 वर्षों से देहरादून के पोंटा में रहकर नशा तस्करी का गोरख धंधा चला रहा था। बरामद की गई स्मैक बरेली से लाई गई है, ऐसा फिलहाल एसटीएफ को अपडेट में मिला है। सभी पहलुओं को देखते हुए एसटीएफ द्वारा फिलहाल इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की देखिए एक खास रिपोर्ट। और अभी इसके बारे में और क्या कितनी जानकारी है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि लगातार हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा बड़ी रिकवरी की जा रही है। जो स्टेट लेवल के ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में हमारी एनटीएफ की टीम के द्वारा कल देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। ये उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है स्मैक की। और ये जो तस्कर पकड़ा गया है ये मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और ये धामपुर में किसी से लेकर आ रहा था स्मैक को और इसको आगे देहरादून में और पोंटा में सप्लाई किया जाना था। इससे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, आगे लीड्स मिली हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो हमारे देहरादून में भी कुछ तस्कर हैं उनके भी नाम सामने आए हैं, उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।